हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। रात के 11:30 बज रहे थे। चारों ओर लगभग सन्नाटा सा छाया हुआ था। सड़क पर ट्रैफिक बहुत ही कम हो गया था। इक्का दुक्का लोग ही पैदल चलते हुए दिख रहे थे। कभी कभी सन्नाटे को चीरती हुई कोई कार या बाइक सड़क से गुजरती, फिर चारों ओर उसी तरह का सन्नाटा छा जाता। अचानक धीमी धीमी बारिश शुरू हो गई। फुटपाथ पर लेटी गुंजा के ऊपर पानी की बूंदें पड़ी तो उसकी नींद खुल गई। उफ, ये बारिश कहाँ से आ गई? मुझे कहीं छिपना पड़ेगा, नहीं तो भीग जाऊं। लेकिन बारिश अचानक से बहुत तेज हो गई, वो भीगने लगी। उसने इधर उधर देखा लेकिन छिपने की कोई जगह उसे नहीं दिखाई दी। वो लगातार भीगती जा रही थी। अचानक उसकी नजर दूर एक चाय की टपरी पर गई। दुकान बंद हो चुकी थी। वो भागकर उसकी शर्ट के नीचे छिप गई, लेकिन इतनी देर में वो आधी से ज्यादा भीग गई थी। मेरे कपड़े तो लगभग गीले हो गए, इन गीले कपड़ों में ठंड भी लग रही है मुझे। गुंजा खुद से ये बातें कर रही थी कि बाइक में बैठे हुए दो लोग, जिनका नाम किशोर और राणा था, उसने चाय की टपरी के पास अपनी बाइक रोकी। फिर वो दोनों लड़खड़ाते हुए चाय की टपरी के शेड के नीचे छिपने के लिए आ गए। उनके लड़खड़ाते कदम बता रहे थे कि वो नशे में है। गुंजा उन्हें देखकर डर गई। वो दोनों लोग गुंजा को अजीब नजरों से घूर घूर कर देख रहे। राणा, आज ज्यादा चढ़ी नहीं है भाई, ठीक कह रहा है तू, लेकिन अब तो सारी दुकानें बंद हो गई होंगी। राणा, आज कुछ और नशा किया जाए क्या? तू सही भाई है मेरा, मैं भी यही सोच रहा था। गुंजा बेचारी सहमी हुई थी उन दोनों की बातें सुन रही थी। नशे में धुत उन दोनों की बातें सुनकर उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वो वहाँ से भागना चाहती थी। किशोर, सोच मत, काम कर, तुझे पता है ना कर्म का फल मीठा होता है। ये कहते हुए दोनों गुंजा की तरफ झपटे। गुंजा पहले से ही तैयार थी। वो बदहवास सी सड़कों पर भागने लगी। वो दोनों भी उसके पीछे भागने लगे। अबे तेज दौड़, ऐसा ना हो मछली हाथ से निकल जाए। गुंजा, यही कोई 17 या 18 साल उम्र होगी उसकी। बस स्टैंड के पास बैठती है तो कभी ट्रैफिक लाइट के पास, हाथ में कटोरा लिए वो दिख जाती है। कभी कभी तो लोगों ने उसे स्टेशन के बाहर भी भीख मांगते हुए देखा है। मैले कुचैले और फटे चिटे कपड़ों में ही वो हमेशा रहती। उसके बाल उलझे हुए रहते और चेहरा इतना काला दिखता जैसे कि उसने कई दिनों से नहीं नहाया है। एक दिन वो इसी तरह ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी, तभी ट्रैफिक की बत्ती लाल हो गई। वो भागती हुई रुकी हुई गाड़ियों के पास एक एक कर जाती और भीख मांगती। 1 रुपया दे दो साहब, सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसा दे दो साहब, भगवान के नाम पर 1 रुपया दे दो। अफसोस कि उन बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे ज्यादातर लोगों के दिल उतने बड़े नहीं थे कि उनकी जेब से 1 रुपया भी गुंजा के लिए निकलता। वो कहते हैं ना कि सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, इसलिए कुछ लोगों ने गुंजा के कटोरे में दया की भीख भी डाली, लेकिन वो पैसे इतने नहीं थे कि गुंजा उनसे कुछ खरीद कर खा पाती। लेकिन उन्हीं पैसों को लेकर वो सामने की दाल चावल की दुकान पर गई और दुकानदार की ओर देखने लगी। अरे तू फिर आ गई हैं? तुझे इसी तरह से हर दिन मुफ्त का खाना खिलाता रहा तो मेरा तो दिवाला निकल जाएगा। दुकानदार बोले जा रहा था और गुंजा उसकी बातों को सिर झुकाए सुने जा रही थी। दुकानदार ने उसे 1 प्लेट दाल चावल दिया। गुंजा के कटोरी में जितने भी पैसे थे उसने उन पैसों को अपने हाथ में लिया और उसकी रेहड़ी पर रख दिया। फिर वो फुटपाथ के किनारे बैठकर खाने लगी। पिछले 6 महीने से गुंजा इसी तरह अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन 6 महीने पहले उसकी हालत ऐसी नहीं थी। 6 महीने पहले तक वो भी एक आम लड़की की तरह अपने पिता जय कुमार के साथ जीवन जी रही थी। जय कुमार एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, लेकिन एक दिन फैक्ट्री में ही उसे हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। बाबा बाबा, ये क्या हो गया मेरे बाबा को? गुंजा की माँ तो सालों पहले गुजर गई थी। उसके चाचा चाची थे, लेकिन वो सिर्फ नाम के ही रिश्तेदार थे। गुंजा के पिता की मौत के बाद उन्होंने थोड़े दिन तो उसे अपने पास रखा, लेकिन वो सिर्फ नाम के ही रिश्तेदार थे। गुंजा के पिता की मौत के बाद उन्होंने थोड़े दिन तो उसे अपने पास रखा, लेकिन उन थोड़े दिनों में ही गुंजा का जीवन उन्होंने नरक के समान बना दिया। उनके चाचा और चाची के लिए तो वो बिना पगार की एक नौकरानी थी, जिनके आगे वो बस काम भर का रूखा सूखा खाने को डाल देते थे।
एक दिन की बात है, दिन भर काम करने के बाद उसकी चाची ने 2 दिन पुरानी बासी रोटी उसके आगे डाल। चाची थोड़ा अचार ले लूं? हाँ हाँ ले ले अचार, तू कहे तो पूरी छनवा देती हूँ। ना ना पूरी से क्या होगा, पुलाव बनवा देती हूँ और दम आलू भी। मुफ्त खोर, जो मिल रहा है खा ले नहीं तो भूखी मर। जब तक गुंजा के पिता थे उसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद ऐसा लगता था कि मुसीबतें उसकी सहेलियां बन गई हैं। एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब थी, फिर भी वो अपने चाचा चाची के डर से घर का काम कर रही थी, लेकिन तेज बुखार में ज्यादा काम करने से वो बेहोश हो गई। लेकिन उस पर भी उसकी चाची को दया नहीं आई। उसके चाचा के आते ही वो शुरू हो गए। देखिए जी, आप अपनी भतीजी को समझा दीजिए, पूरा दिन मैं घर का काम करती हूँ और ये किसी महारानी की तरह आ रहा, और खाने में चाहिए इसे 56 भोग। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो चली मायके। उसकी बातों को सुनकर गुंजा के चाचा का पारा चढ़ गया। उसने तेज बुखार में भी गुंजा को बेल्ट से मारना शुरू कर दिया। वो बेचारी एक बार फिर बेहोश हो गई। लेकिन उस दिन आधी रात को उसने बड़ा फैसला ले लिया, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर, ये लोग तो राक्षस है राक्षस। ये कहकर वो आधी रात को ही घर से भाग गई। बुखार से उसका बदन अब भी चल रहा था, भागते भागते उसके पैर भी कांप रहे थे, लेकिन उसे तो इस नरक से कहीं दूर निकल जाना था। वो भागती भागती रेलवे स्टेशन गई और वहां उसे एक बड़ी ट्रेन खड़ी दिखी। वो उसमें जाकर बैठ गई। बस एक बार यहाँ से निकल जाऊं, फिर कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगी। गुंजा दूसरे शहर में आ गई, तब से वो भीख मांग कर यहाँ अपना गुजारा कर रही है, लेकिन आज फिर से उसकी जान पर पड़ी है। वो दोनों बदमाश लगातार उसका पीछा कर रहे हैं, आखिर वो उनकी पकड़ में आ गई। अरे बहुत तेज भागती है तुम, बहुत भगाने का शौक है ना तुझे, अब देख हम क्या करते हैं तेरे साथ। उन दोनों बदमाशों ने गुंजा के साथ जबरदस्ती शुरू कर दी। बेचारी गुंजा ने बहुत कोशिश की उन जानवरों के चंगुल से छूटने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। उस सन्नाटे में गुंजा की चीख गूंज तो रही थी, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचा लो। अगली सुबह गुंजा के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन वो खामोश हो गई थी। हर दिन की तरह वो भीख मांगने नहीं गई, वो भूखी प्यासी बैठी रही। उसे अपने आप से घिन आ रही थी। उन दोनों शैतानों का चेहरा अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रहा था, लेकिन वे तो रात के अंधेरे में कहीं भाग गए थे। कुछ दिन और बीते, लेकिन कब तक वो भूखी रहती, इसलिए उसने फिर से भीख मांगना शुरू कर दिया। 1 रुपया दो साहब, 2 रुपया दे दो साहब, बहुत भूख लगी है साहब, 1 रुपया दे दो साहब, 2 रुपया दे दो साहब। एक दिन भीख मांगते हुए उसके पेट में दर्द शुरू हो गया और फिर उल्टियां भी शुरू हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे उल्टियां क्यों हो रही हैं। अब तो हर दिन उसे उल्टी का मन करता और कभी कभी उल्टी भी हो जाती। कुछ महीनों बाद उसका पेट बाहर आना शुरू हो गया। गुंजा गर्भवती हो गई थी। उसके बाहर निकले पेट की ओर जो भी देखता उसे बहुत आश्चर्य होता। इस बारे में लोग बातें भी करने लगे। अरे ये भिखारन अचानक से गर्भवती कैसे हो गई रे? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन छोड़ ना, हमें क्या करना, पता नहीं किसका पाप लेकर घूम रही है ये। गुंजा को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता। पेट ज्यादा बड़ा होने के कारण अब तो उसे बहुत दिक्कत होने लगी थी। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी और हर दिन वो रोते हुए खुद से बातें करती। एक दिन जब वो खुद से बातें कर रही थी, तभी वो दाल चावल बेचने वाला दुकानदार, जो अब उसके दोस्त की तरह हो गया था, वो उसके पास आया और बोला, अरे ये सब किसने किया, कैसे हुआ ये सब? उसकी बातों को सुनकर गुंजा रोने लगी और रोते रोते ही उसने राणा और किशोर का नाम बताया। दुकानदार तुरंत ही उसे लेकर पुलिस स्टेशन गया और पुलिस इंस्पेक्टर रजनी को सारी बातें बताई। रजनी ने जब गुंजा की हालत देखी तो उसे बहुत दया आई। क्या तुम उन दोनों को फिर से देखोगी तो पहचान जाओगी? जी मैं पहचान जाऊंगी। रजनी ने उन दोनों का पता लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। गुंजा की बताई जगह के आसपास लगे सारे सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। उन फुटेजों से जल्दी किशोर और राणा का पता लग गया। किशोर और राणा पास की बस्ती में रहने वाले छठे हुए बदमाश और एक नंबर के शराबी थे। इंस्पेक्टर रजनी दोनों को गिरफ्तार कर ले आई और थाने में उनकी जमकर मरम्मत की। पहले तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन पुलिस के डंडों के आगे वो टूट गए। अरे आप मत मारिए मैडम, हम मर जाएंगे, हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दीजिए। तुम जैसे जानवरों को छोड़ दूं? अरे तुम लोग तो इंसान के वेश में राक्षस हो राक्षस,
तुमने उस बेचारी लड़की के साथ जो किया है, अगर मेरा वश चले तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूं, लेकिन मैं क्या करूं? कानून ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। इंस्पेक्टर रजनी ने दोनों को जेल भेज दिया। उन दोनों पर मुकदमा चला और दोनों को 10 साल की कैद हो गई। इंस्पेक्टर रजनी गुंजा को एक खुशखबरी देना चाहती थी, लेकिन पता नहीं गुंजा कहाँ गायब हो गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।